हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मोबाइल स्टैंड को फिट कैसे करते हैं, इसका वायरिंग जो है उसको सेटिंग कैसे करते हैं उसका। ठीक है, पूरा वायरिंग मैं आपको बताऊंगा कैसे कहाँ करना है क्या करना है, इसमें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने इसका पहले से मैंने एक वीडियो बना रखा है मोबाइल स्टैंड के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैं बस इसमें आपको वायरिंग करके बताता हूँ, पहले मैं इसको खोल के और आपको कहाँ फिट करना है ये भी दिखा दूँगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं मोबाइल स्टैंड मेरे हाथ में, और ये इसका क्लिप है। इसको आप इस नट में भी और इस नट में भी लगा सकते हैं, इन दोनों में से एक में लगा सकते हैं आप। तो आप पेट्रोल वाले जो है इसके बराबर में लगाइएगा, क्योंकि पेट्रोल वाला ज़्यादातर वो ध्यान नहीं देता और मीटर में ज़्यादा ध्यान देता है इसलिए। तो इस नट को खोल लेते हैं, 10 नंबर नट को। इसको खोल लिया और इसमें इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे इसमें लगा के टाइट कर लेंगे। फिर मैं आपको वायरिंग बताऊंगा कि वायरिंग कैसे करना है इसका, आप ये घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इसको टाइट कर लिया, ध्यान रहे दोस्तों ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा क्योंकि नट फिर स्लिप हो जाएगा, इसका टूट जाएगा। तो अब इसका वायरिंग दिखाता हूँ मैं आपको, वायरिंग कहाँ करना है। ये देख सकते, दो तार है मेरे पास, ये है प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो हम पहले इसका वाइजर खोल लेंगे, हम इसको इसका कनेक्शन लॉक के साथ करेंगे। ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं कि बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, इससे बैटरी आपका डैमेज हो जाता है जल्दी, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, इसलिए हम इसका वायरिंग लॉक के साथ करेंगे। जब चाबी ऑन करोगे तो चाबी के चालू हो जाएगा, जब बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। तो इसका वाइजर खोल लेते हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ का नट खोल लेंगे और इसका वाइजर खोलते हैं। ये खोल लिया, इसका वाइजर निकाल लेते हैं। अब ये देख सकते हैं इसका वाइजर निकल गया। अब इसका लॉक का तार ढूंढेंगे दोस्तों, जो इसका लॉक है ना, आप साइड में से देख लीजिएगा कहाँ से लॉक जा रहा है, इसका लॉक का तार निकाल लेंगे हम। इसका लॉक का तार ढूंढते हैं हम, इस साइड से देखते हैं। पहले इसका वाइजर निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वाइजर टूट गया तो इसका महंगा आता है। तो वाइजर को इंडिकेटर का दोनों तार खोल लिया, इनको खोल लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं। ये वाइजर हमारा साइड में रख देते हैं और इसका लॉक का तार ढूंढेंगे दोस्तों। ये देख सकते हैं नीचे से इसका तार है, ये वाला तार, जो लॉक का तार है ना हमारा, वो ढूंढना। दो तार का होगा लॉक का तार, स्प्लेंडर जो बाइक होता है उनमें दो तार का ही होता है। ठीक है दोस्तों, दो तार वाला लॉक ढूंढेंगे। ये हमारा ये निकल गया, ये रहा, देख सकते हैं इसमें दो ही तार है, ज़्यादा तीन भी नहीं है चार भी नहीं है, सिर्फ दो है। ये देख सकते हैं, ये है सफ़ेद कलर का हुक मिलेगा इसका, ये आप घर बैठे भी कर सकते हैं। इसको निकाल लेंगे, थोड़ा इसको दबाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा। इसको रुक जाओ, इसको दबा के निकाल लेते हैं। ये निकल गया, हाँ ये निकल गया हमारा दोस्तों। अब जो ये तार देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सॉकेट में डाल देंगे हम तार। पहले इसका तार दिखाऊं मैं आपको, ये जो काला लकीर जा रहा है इसमें हम कनेक्शन करेंगे, और जो लाल है इसको हम छोड़ देंगे। जो काला वाला कनेक्शन है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो काला वाला जो लाइन जा रहा है ना, ये जो प्लस का तार है हम काले वाले में लगाएंगे, जो काला वाला लाइन जा रहा है उसमें लगाएंगे। ध्यान से सुनना कि जो काला वाला है जिसमें काला लाइन जा रहा है उसमें लगाएंगे, प्लस वाला जो लाल तार है हमारा, ये हम थोड़ा इसको छील के और उसमें लगा देंगे। ये हमने छीन लिया, इसको थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं ताकि ये फंस जाए। ये हमारा, ये देख लीजिए, इसमें जो डाटा केबल लगता है वो है, इसमें एक स्विच भी है, स्विच को देख लीजिएगा कि ऑन है या ऑफ है, वो चेक कर लीजिएगा। ये हमारा लाल है, इसको छोड़ के हम काले वाले में लगाएंगे। जो काला वाला लकीर जा रहा है उस पर लगाएंगे दोस्तों, ध्यान रहे जो काला वाला लकीर जा रहा है जिसमें जिस तार में, उस पर लगाएंगे हम हमारा माइनस वाला तार। ये धुआं निकल रहा है हमारा, वो टच हो गया था वहाँ पे, इसलिए अर्थिंग में।
इस पे लगा के इसको क्लिप को लगा देंगे हम, हुक को, जो सॉकेट है हमारा उसको लगा देंगे। मैकेनिक सारे सॉकेट बोलते हैं, मैं हुक बोल रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ जल्दी। हम काले वाले लकीर वाले पे लगा देंगे इसको, इसको थोड़ा अंदर डाल के और इसको ऐसे इसमें हुक को इसको सॉकेट को लगा देंगे अच्छे से। ये लग गया हमारा। अब ये जो माइनस वाला है, जो अर्थिंग है, ये इसको हम कहीं पर भी अर्थिंग दे सकते हैं, ये हम किसी भी नट में लगा सकते हैं, अर्थिंग चाहिए बस। ये शायद हमारा अच्छे से लगा नहीं है अभी, ये देख सकते काला वाला, ये काला वाला में जा रहा है। हाँ ये रहा काला वाला, लग गया इसमें काले वाला में, और ये अब चल नहीं रहा। अभी अर्थिंग देंगे तभी चलेगा ये। ये हमने इसमें इसको अर्थिंग दिया तो देख सकते हैं अब ये चल रहा है, ये जो है इसको अर्थिंग दिया और ये देख सकते हैं अब ये लाइट चल रहा है इसमें, देख सकते हैं ये छोटा सा जो नीला कलर का है ये चल रहा है ये। अब इसको हटाऊंगा तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, अर्थिंग हटाया तो बंद हो गया, ये अर्थिंग दिया तो चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चाबी के साथ हो चुका है, अब चाबी बंद करूँगा तो ये बंद हो जाएगा, अर्थिंग दिया चालू हो रहा है ये, देख सकते हैं हमारा चाबी ऑन है। ये देख सकते हैं हम कहीं पर भी इसको लगा देंगे अर्थिंग में, इसको छील के और इसको अच्छे से बिठा देंगे, ये हमारा आ गया लाइट। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे आप फिट कर सकते हैं।